सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह की लगभग 10:30 हो रही है और आज का मौसम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कैसा है। आज का मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी धूप खिली हुई है और आसमान में हल्के बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन तरसाली के ऊपर वाली पहाड़ियों पर कोहरा छाया हुआ है। मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग देर से हो रही है क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश लगी। कल तो सुबह में धूप खिली हुई थी लेकिन रात को बारिश लगी, 1-2 बजे से स्टार्ट हुई रात की बारिश भी और सुबह में 4 बजे से हुई हम जब बारिश बंद हुई। तो आज थोड़ी देर में भी उठे सुबह में, फिर ब्रेकफास्ट बनाया, घर का काम किया और आज मैंने सारे कपड़े डाल रखे हैं बाहर क्योंकि इसमें अजीब सी स्मेल आ रही थी इन कपड़ों पर। और हमारा जो ये ऊपर वाला कमरा है ना, यहाँ पानी आ गया है, इतनी भयंकर बारिश लगी और दीवारें भी पूरी गीली हो रखी हैं और यहाँ बेड के नीचे ना पानी ही पानी है। दोनों कमरे के यही हाल हो रखे हैं, पूरे कमरों में सीलन और पानी आ गया है हमारे दोनों कमरे में और गैस वाले किचन में भी पानी ही है। और मैंने अभी सुबह में इतने सारे बर्तन धोए, मैंने और भाई ने साथ में मिलकर धोए और मैंने यहाँ किचन की सफाई वगैरह करके अब बर्तनों को संभालूंगी। और यहाँ हमारे गैस वाले किचन में भी पानी ही है, ये देखिए। और मेरी मम्मी की तबीयत भी परसों से ख़राब हो रही है, बुखार भी आ रखा है मम्मी को, जुखाम, गला दर्द, बदन दर्द हो रहा है। तो रास्ता भी नहीं है अभी, तो फाटा मार्केट भी कैसे जाएँ दवाई के लिए। और मम्मी को ऐसे हालात में हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते क्योंकि रास्ता है ही नहीं। और फाटा में भी, फाटा की जो रोड है ना, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लैंड स्लाइड हो रखे हैं। अभी मैं यहाँ किचन में इन बर्तनों को संभाल लेती हूँ। बर्तन भी मैंने संभाल लिए हैं और मैंने कपड़े भी बाहर डाल रखे हैं सुखाने के लिए क्योंकि अच्छी वाली धूप खिल रखी है। और बाकी मैंने बरामदे पे पोछा वगैरह भी कर लिया है और दोनों कमरे की सफाई भी कर दी है। अभी मैं जा रही हूँ अपने छत में और ना हमारे छत में भी इतनी फिसलन और की है ना, पूरी जगह ये हरा हरा ही दिखाई दे रहा है छतों में भी। छत से मैं आप लोगों को सामने वाली पहाड़ियों का व्यू दिखाती हूँ। पुल पे जो मलबा आ रखा था ना ऊपर पहाड़ियों से, वो भी कल साफ कर लिया है दादा, अंकल, भाई इन्होंने। और कल रात 2 बजे को हमारे यहाँ बादल फटा, वो बता दूँ मैं आप लोगों को कहाँ फटा। कल रात को जो बादल फटा था ना, वो ऊपर चट्टानों पे फटा था और वहाँ देखिए इतना भयंकर लैंडस्लाइड और का है ना ऊपर, वहाँ पे बड़ा चट्टान हुआ करता था, वो भी नीचे आ चुका है और ना काफ़ी लैंडस्लाइड और के हैं ऊपर चट्टानों पर। परसों तो यहाँ ऊपर की साइड हुआ था और पूरा मलबा यहाँ नीचे आया यहाँ हमारे खेतों में। आजकल बरसात के कारण पहाड़ियों पर काफ़ी ज़्यादा हरियाली देखने को मिल रही है, खेतों से लेकर, पहाड़ों से लेकर, देखिए ऊपर चट्टानों से लेकर हरियाली देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे। मेरी मम्मी तो परसों से लेटी हुई है क्योंकि मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। कल दवाई भी लेके आए, गांव के ताऊ के पास मंगाई थी हमने दवाई, तो दवाई से भी कोई असर नहीं जा रहा है, वैसी की वैसी है मम्मी। और सुबह में मैं मम्मी को बिस्तरी में ले जा रही हूँ खाना और दवाई वगैरह, तो मम्मी भी खाना भी नहीं खा रही है और मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हो गई है क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है। और वैसे ही मेरा कॉलेज में असाइनमेंट था, वो भी देने नहीं जा पाई मैं, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई है मुझे, क्या करें। और चारों तरफ से हमारे गांव में रास्ते भी बंद हो रखे हैं, इधर की साइड भी रास्ता बंद और उधर की साइड भी, और नीचे से मंदाकिनी नदी और ऊपर चट्टानों से लैंडस्लाइड हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारा एक ठेलिका का पेड़ है और इस पे ना मीठे करेले की जो बेल है वो ऊपर चले गई है ठेलके के पेड़ पे और फूल भी लगने स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे है ये तुरई का पौधा, तो कुछ कीड़ों ने भी काट ली है, तुरई की जो पत्तियाँ होती हैं वो भी काट ली है कीड़ों ने और तुरई की जो बेल होती है ना वो भी चले गई है इन डंडों पे। और यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ घरी के पीछे हमने एक सगोड़ा का रखा था, तो यहाँ पे हमने बो रखी थी राजमा 3 मेड़ियों पे, तो राजमा की भी जो बेलें होती हैं वो डंडे के थ्रो ऊपर चले गई हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी बेलें हो गई हैं यहाँ पे। दिन का लंच बनाने का टाइम भी हो गया है, देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं दिन के लंच में। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने गैस वाले किचन में, तो मुझे बनाना है
है दिन का लंच और लाइट भी नहीं है, नहीं तो मैं इंडक्शन चूल्हे में बना लेती और लकड़ियाँ भी नहीं जल रही हैं क्योंकि बारिश बारिश के कारण लकड़ियाँ भी गीली हो गई हैं। तो गैस में बनाते हैं दिन का लंच। मैंने एक कटोरी पर इतने चावल भी निकाल दिए हैं, इसको मैं डालूँगी कुकर पर। तो चावल भी मैंने धो दिए हैं और जितना पानी चाहिए था उतना भी डाल दिया है। अब मैं इसको चढ़ाऊँगी। तो गैस में मैंने कुकर पर चावल भी चढ़ा दिए हैं और दो सीटी में चावल भी पक के तैयार हो जाएंगे। बाकी मेरी मम्मी तो लेटी हुई है, मम्मी की तबीयत काफ़ी सीरियस हो गई है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हो रही है। चावल तो मैंने गैस में चढ़ा दिए हैं, बाकी आज साग बनने वाला है खीरे की कड़ी। तो इस कद्दूकस की मदद से मैं इस खीरे को बारीक कर दूंगी इस कटोरी पे ऐसे। अभी मैं जा रही हूँ अपने लकड़ी वाले किचन में क्योंकि हमने जो गैस वाले किचन में जो प्याज रखा था वहाँ का ख़त्म हो गया है, तो लकड़ी वाले किचन में रखा हुआ है हमने प्याज। तो यहाँ से मैं प्याज ले जाती हूँ। तो ये रहा हमारा लकड़ी वाला किचन। तो यहाँ एक दो महीने से खाना नहीं बनाते हम, नीचे ही बनाते हैं। तो ये रहा हमारा लकड़ी वाला किचन और इस थैले पर रखा हुआ है हमारा प्याज। थैला नहीं है ये, कट्टा है। तो इससे निकाल देती हूँ मैं, एक दो दानी प्याज की निकाल देती हूँ मैं। तो ये दो दानी बहुत है। तो इस कट्टे पे रखा हुआ है प्याज और इस पे रखा हुआ है लहसुन। अब एक कटोरी पे प्याज काट लेते हैं। एक कटोरी प्याज की मैंने काट दी है और कुकर पे भी दो सीटी आ गई है। कढ़ाई में मैंने तेल भी डाल दिया है और तेल भी गर्म होने ही वाला है। इसमें डालूंगी मैं प्याज। प्याज को हल्का हल्का ब्राउन होने देंगे और इस जग पर मम्मी ने रखी थी जमाने के लिए दही, तो अच्छी तरह से दही भी जम रखी है यहाँ। प्याज भी हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, इसमें हम डालेंगे बेसन। तो जितना बेसन चाहिए था उतना भी डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से वो करेंगे हम, ब्राउन ब्राउन होने देंगे इसको भी, बेसन को भी अच्छी तरह से कड़छी को चलाते रहेंगे। अच्छी तरह से कड़छी को चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे, तो इसमें मैंने दही भी डाल दी है। अब इसमें मैं डालूंगी खीरा। इसमें मैंने सारे मिर्च मसाले भी डाल दिए हैं। अब अच्छी तरह से उमाल आने देंगे। तो ऐसे बनाई जाती है कड़ी, खीरे की कड़ी ऐसी बनाई जाती है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो खीरे की कड़ी भी बन के तैयार हो गई है। अब मैं कढ़ाई को निकालूंगी नीचे। सबसे पहले मैं लंच परोसूंगी मम्मी को। तो एक थाली पर मम्मी को मैंने लंच भी परोस दिया है। कैसी आप तबीयत? ठीक है। मम्मी की आवाज़ भी बैठ गई। काम कर गया। तो कैसे हो आप? सब अच्छे?
चारों तरफ रास्ते भी बंद हो गए हैं, गरीब है परसों से तीन चार दिन हो गए, तो मेरी तो तबियत भी खराब हो गई है, जुकाम लग गया, सिर दर्द हो गया है, और इसमें चावल किसी की भी इच्छा नहीं कर रही है खाने की, इच्छा नहीं करे तो चावल बनाए, मैं थोड़ा चावल बना दिया आज बहुत दिन के बाद, हाँ तो ठीक है तबियत पूरे मुँह छाली बंद हो गई और दवाई भी मेरी कैसे हैं जगह जगह रास्ते भी बंद हो गए हमारे, और मार्केट जाने का रास्ता तो पूरा बंद हो गया है, और क्या करना हंस के हम बीच में। मम्मी को तो मैंने दिन का लंच दे दिया है, बाकी मैं और भाई भी कर लेते हैं दिन का लंच, फिर मिलते हैं आप लोगों को। दिन का लंच करने के बाद बर्तन धोए, थोड़ा एक दो घंटे आराम किया, और अभी मैं गौशाला से आ गई हूँ सारा काम निपटा के, और आसमान में पूरी तरह से काले बादल छा गए हैं और तरसाली पे कोहरा छा गया है, और हमारे यहाँ लाइट भी नहीं है, और फिर से रात को जागना पड़ेगा, फिर सुबह में सोना पड़ेगा, और मुझे कॉलेज जाना था लेकिन कैसे जाएं समझ ही नहीं आ रहा है। मैं भी कॉलेज का काम कर लेती हूँ, क्या पता कल मैं कॉलेज जाऊँ, फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर कल मंदाकिनी नदी अगर ज़्यादा आएगी तो नहीं जा पाऊँगी मैं कॉलेज असाइनमेंट देने। बाकी यहाँ पे रास्ता टूट ही रहा है, गौशाला जाने वाला जो रास्ता है यहाँ पे टूट ही रहा है, और नीचे गांव जाने का जो रास्ता है ना वो भी टूट गया है। बाकी हमारे गांव के सब जा रहे हैं रास्ता लगाने के लिए उधर की साइड, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा टूट फूट हो रही है, और जंगल जाने के लिए भी कहीं से रास्ता नहीं है, तो सब जा रहे हैं रास्ता लगाने के लिए, और हम नहीं गए क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, तो इसलिए नहीं जा पाई मैं, तो कल परसों से जाऊँगी मैं भी काम पे। मैं भी अब कॉलेज का काम कर लेती हूँ, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव हिंद उत्तराखंड।